बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी। इसके लिए मैंने पाए और गोश्त तकरीबन 2 किलो दोनों चीज़ें थी और दोनों चीज़ों की क्वांटिटी 2 किलो हो गई थी। और आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके रख दिया है। इसके अंदर बकरे के पाए डलते हैं, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये यहाँ मैंने 3 दरमियानी प्याज ली थी, इसको मैंने रफली से स्लाइस कर लिए थे। और हम इसको बनाएंगे मिट्टी की हांडी में, क्योंकि उसमें इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो आप जो है नॉर्मल जो आप घर में बनाते हैं हांडी या आपके पास पैन कुछ भी आप उसमें बना सकते हैं। ऑयल मैंने लिया है इसके अंदर, अभी मैंने थोड़ा ऑयल लिया है। इसके अंदर प्याज डाल दी मैंने अपनी, और प्याज को हम कच्चा पक्का सा बस सौते करेंगे। और आप देख सकते हैं कोई कलर नहीं दूंगी प्याज को मैं, बस इसका कच्चापन ख़त्म कर दिया मैंने। इसके अंदर अपना गोश्त और जो पाए हैं बकरे के वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद हम इसके अंदर जो है फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, आप इसको गौर से देखिएगा क्योंकि रेसिपी जो है बहुत शॉर्ट है। मैंने रमज़ानों में बनाई थी, आप समझ सकते हैं रमज़ानों में इतना टाइम नहीं होता। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको भी डाल के हम भूनेंगे क्योंकि अच्छी तरीके से गोश्त में जो है गोश्त को हम इसके अंदर तल लेंगे, खुशबू अच्छी आ जाए और एक जो महक होती है गोश्त की वो निकल जाए। 3 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, इसके अंदर धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून भर के जाएगा, और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आप टेस्ट करते रहिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको मिक्स कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा भून रहे हैं हम, और हम जो है इसको कवर करके अच्छी तरीके से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना पक जाएगा ही कि ये गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, पाए अच्छे तरीके से गल जाए। और मिट्टी की जो हांडी होती है इसके अंदर गोश्त बहुत जल्दी और बहुत अच्छा गल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला था कि हमारा गोश्त और पाए अच्छे तरीके से गल जाए। इसको कवर कर दिया मैंने, पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने आधी प्याली आटा लिया, इसके अंदर वाटर डाला मैंने 1 कप, और इसको मिक्स कर लिया इस तरीके से। थोड़ा पतला सा हमने पेस्ट बनाना है आटे का। और यहाँ हमारा गोश्त और पाए दोनों गल गए थे अच्छे तरीके से। और अभी जो है हमने ऑयल भी इसमें कम डाला था, और यहाँ पर जो मैंने आटा घोल के रखा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये बहुत ज़्यादा जो है कुन्ना जो होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता। और ये जो है आप देख सकते हैं इसका मैं गरम मसाला बनाऊंगी। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 छोटी इलायची है इसके अंदर, यहाँ पर जायफल, जावित्री, थोड़ा थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, 1 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, 10 से 12 लौंगे हैं, 10 से 12 इसके अंदर काली मिर्चें हैं। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी को, आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। यहाँ से गर्म मसाला मैंने तैयार कर लिया था, पीस लिया था इसको, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब यहाँ एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसको भी कूट लेंगे। इमाम दस्ते में आप इसको कूट लीजिएगा। और ये भी जो है जब आपका कुन्ना रेडी हो जाए, जब अच्छी तरीके से सारी चीज़ें गल जाएँ, आपका कुन्ना तैयार हो जाए, ऊपर से आप जो है 1 टेबलस्पून इसके ऊपर गर्म मसाला डालें, 1 टेबलस्पून आप इसके ऊपर कुटा ज़ीरा डालें, कुटा भुना ज़ीरा आप इसके ऊपर डालेंगे। और बहुत मज़ेदार से इसकी खुशबू आ रही थी, आप देख सकते हैं हमारा कुन्ना रेडी है। लेकिन मैंने आपको बताया था मैंने ऑयल नीचे कम डालते हैं, इसलिए क्योंकि हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 टेबलस्पून करीब मैंने ऑयल लिया है, अगर आप ज़्यादा खाते हो ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल के मैंने इसका तड़का बना लिया था, और अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। अगर बाद लोगों को जो है रोगन ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़्यादा ऑयल डाल के जो है इसके ऊपर इसको सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि हम लोग इतना ऑयल नहीं खाते। तो मैंने थोड़ा कम डाला है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इसकी स्पेशल रेसिपी और ये बहुत मज़े की और बहुत यूनिक रेसिपी है। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ कमेंट्स बॉक्स में कि मुझसे ये गलती हो गई है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप इसको नान के साथ सर्व करें, और ईद में 2-3 चीज़ें जो है मज़ेदार सी और बनाएं, और आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा ये, जो हम हर दफ़ा ही बनाते हैं कोरमा, बिरयानी, शीर कोरमा हो गया। कुछ नई रेसिपी ट्राई करें ताकि आपको भी मज़ा आए और ईद अपनी स्पेशल बनाएं। और इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।